नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 7 नवंबर को होने वाले अंतिम चरण के प्रचार के लिए रीगा से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनडीए प्रत्याशी मोतीलाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए सीधा कहा कि बिहार को मान सम्मान चाहिए तो एनडीए के पक्ष में वोट करें। देखिए सीतामढ़ी से चंदन देव की ये रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले के रीगा विधानसभा क्षेत्र के बैरगनिया डिग्री कॉलेज में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा एनडीए प्रत्याशी मोतीलाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो महिला, नौजवानों, गरीबों के लिए योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में केंद्र की सरकार द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं। लोगों के घर घर तक केंद्र द्वारा मुफ्त अनाज पहुंचाया जा रहा है। लोगों के जनधन खातों में 1500 रुपये मदद के लिए कोरोना काल में पहुंचाया गया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आपको बिहार में 9वीं फेल की सरकार चाहिए या एक इंजीनियर की सरकार चाहिए, मान बढ़ाने वालों की सरकार चाहिए या अपमान करने वालों की सरकार चाहिए, बिजली बत्ती देने वालों की सरकार चाहिए या लालटेन युग में ले जाने वाले सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में मान सम्मान और प्रगति की सरकार चाहिए तो एनडीए के प्रत्याशी मोतीलाल को भारी मतों से विजय बनाए। आपको बिहार की जनता ने आपने क्या किया? घोटाले में जेल में दुकान बनाने के लिए आपने भ्रष्टाचार किया, आपके ऊपर केस चल रहा। आप सारे प्रकार की गलत काम किए हो, इसलिए नीतीश बाबू आपको छोड़कर बोलने जी के साथ चलेंगे। पिछले 6 साल में महिलाओं को, नौजवानों को, बुजुर्ग लोगों को, विशेष करके पूर्वी भारत की पिछड़े इलाके, कृषि क्षेत्र हो, उद्योग हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, दिल्ली में अनेक शासन पहले भी रही है। कौन सी प्रधानमंत्री 8 महीने के लिए भारत में मुफ्त में अनाज पहुंचा है? नरेंद्र मोदी पहुंचा है। गरीबी क्या है, इसलिए इस कष्टकाल की समस्या को उन्होंने समझाया। मित्रों, माताओं की बैंक खाते में 1-1.5 हजार रुपया पहुंचा, 8 करोड़, और उसमें से बिहार में लगभग 80 लाख, 10% प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मुफ्त का गैस कनेक्शन, सिलेंडर कनेक्शन आपको सेवा करने का मौका हमने दिया। अभी कोरोना के समय में बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा मुफ्त का सिलेंडर हमने बिहार की माताओं के पास पहुंचाया है। इसलिए सरकार काम करने के लिए होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के लिए नहीं होनी चाहिए, अपनी जेब भरने के लिए नहीं होनी चाहिए। आखिर मतदाता जो जिस लोकतंत्र में मालिक होता है, आप मालिक है, आपको चुनना है 7 तारीख को कि आपका सेवक कैसा हो। मैं आप सब लोगों से कहने आया हूं, एक ऐसा सेवक चुनिए जो विधायक रहे तो भी, नहीं था तो भी, विधायक का चुनाव नहीं लड़ा था तो भी, पार्टी का कार्यकर्ता है तो भी, जो रीगा की जनता के लिए समर्पित रहता है उसको जरूर एक बार सेवा करने का फिर से अवसर दीजिए, ये अपील करने आप सब लोगों के बीच है। और मित्रों, अपील इसलिए करने आया हूं कि आपका वोट केवल यही नहीं चलेगा कि रीगा का विधायक कौन होगा, रीगा का विधायक कैसा होगा, रीगा का विधायक क्या करेगा। 7 तारीख को जब रीगा विधानसभा क्षेत्र की जनता प्राइवेट वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर जाएगी, आप सब भाई बहनों का एक एक वोट तय करेगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। आपका एक एक वोट तय करेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपका एक एक वोट तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री
15 साल तक जनता की सेवा करने वाला अनुभवी व्यक्ति बनेगा या जिस व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं है वैसा अनुभवहीन व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, यह आपका वोट तय करने वाला प्रभावी बनेगा। आपका वोट तय करने वाला है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री नोमी फेल बनेगा या इंजीनियर पास बनेगा या जागती है तो अधिकार मांगती है और प्रेम से पुकारो तो प्यार बांटती है। प्रेम से पुकारो तो प्यार बांटती है। माँ बहन बेटी बनकर समाज को संवारती है। माँ बहन बेटी बनकर समाज को संवारती है और बुराइयों को दानों को दुर्गा बनकर संहार करती है। आपको बता दें कि इस चुनाव सभा को सांसद रामा देवी ने भी संबोधित किया। खुलासा के लिए अनुष्का सिन्हा के साथ सीतामणि से चंदन देव की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।